हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और मैं आज जा रहा हूँ नंदगंज मार्केट, तो मैं आप लोग को नंदगंज मार्केट का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं नंदगंज का मार्केट। इस समय मैं पुल पे हूँ, तो मैं आप लोग को थोड़ा पुल का व्यू दिखा देता हूँ। चलिए आप चलते हैं नंदगंज मार्केट की तरफ। अब नंदगंज मार्केट के पास में पहुंच गया हूं। अब यहीं से जो नेशनल हाईवे 31 है, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा और आगे से हमको राइट मुड़ना पड़ेगा। यहां पर एक्स पैरामिलिट्री कैंटीन है, आप लोग इधर देख सकते हैं। यहां से आप सामान भी आकर ले सकते हैं। देखिए बोर्ड लगा हुआ है नंदगंज 4 किलोमीटर, तो आगे से हमको यहीं पर मुड़ना है। हाईवे तो थोड़ा देख कर मुड़ना पड़ेगा। पीछे थोड़ा देख लेता हूँ, गाड़ी आ रही है पीछे। अभी अब मैं यहाँ से मुड़ता हूँ। अब ये जो रोड है, ये नंदगंज मार्केट की तरफ जाएगा। तो अब मैं आ गया नंदगंज जो मार्केट है, उसके पहले रेलवे क्रॉसिंग है नंदगंज, तो मैं वहाँ पर आ गया हूँ। और नंदगंज मार्केट में जो थोड़ा फेमस प्लेस होगा, मैं उसे हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये देखिए इधर नंदगंज स्टेशन है, मैं इस पर एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। और उधर मैं आज थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूंगा, मगर अगले नेक्स्ट दिन मैं एक उस पर अलग से ब्लॉग बना दूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं नंदगंज मार्केट अब शुरू हो गया है यहाँ से। पहले रोड ख़राब थी, अब बन गई है, देखिए पूरा है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बरसात में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। ये देखिए सब दुकानें हैं इधर की मार्केट की। और ये देखिए नंदगंज रेलवे स्टेशन की तरफ जाएगा ये रास्ता, तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी है, भारत सरकार इस पर लिखा गया है, लग रहा है रेलवे में कर्मचारी जो काम करते हैं लोग, उन लोग की ये गाड़ी है। और ये आप लोग सामने देख सकते हैं, ये है नंदगंज रेलवे स्टेशन। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। और ये इधर है टिकट काउंटर, तो इस पर मैं एक अलग से ब्लॉग बना दूंगा। अब चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। अब आ गया रोड पे, यहाँ पर कुछ साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है। और ये देखिए SBI बैंक है, आप लोग देख सकते हैं इधर। और इधर भी कुछ मार्केट मतलब दुकान है कपड़े की। और यह है थाना नंदगंज, आप लोग देख सकते हैं। और इसके आगे जाने पर सब्जी मंडी पड़ती है। इधर कुछ मेडिकल स्टोर हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है नंदगंज गाजीपुर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मंदिर है हनुमान जी का। से जो आप दाहिने साइड में रोड देख रहे हैं ना, ये चोचकपुर के साइड चला जाएगा।
ये देख सकते हैं आप लोग, और ये देखिए सब्जी मंडी आ गई। ये सब्जी मंडी है, देख सकते हैं आप, चारों तरफ दोनों तरफ भीड़ है, लोग सब्जियां ले रहे हैं। थोड़ा बाइक आराम से चलाना पड़ रहा है। शहीद सुभाष जी, देखिए यहाँ पे इंटर कॉलेज है, शहीद स्मारक इंटर कॉलेज, लग रहा है वहाँ पे कुछ हो रहा है, रामायण या कुछ, तो काफी शोर हो रहा था। ये है नंदगंज मार्केट, अब लगभग देख ही लिए होंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो स्किप मत करिएगा, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है। देखिए लॉर्ड्स डिस्टिलरी LTD, यार जो देसी शराब बनता है, ये रोड उधर जाती है। ये देखिए पावर, ये पावर हाउस लग रहा है यहाँ पे इस साइड में। और यहाँ से गाजीपुर 18 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर, गोरखपुर 157 किलोमीटर, कुशीनगर 208 किलोमीटर। इधर कुछ दुकान है बाइक की बनाने की, लगभग नंदगंज मार्केट, ये सब नंदगंज में आएगा। मेन मार्केट पीछे ही था। ये देखिए गाड़ी चार लोग बैठे, बस आगे जाएंगे तो वहाँ राम बाबा का मंदिर है। चलिए मैं आप लोग को वो भी दिखा देता हूँ, उसके आगे जाने पर धामू का मार्केट है, मैं आप लोग को धामू को मार्केट को आप दिखा दूँगा। और बस वहीं तक, क्योंकि ज़्यादा आगे जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पर ये हॉस्पिटल है कोई, देखिए त्रिवेणी होम्योपैथिक चिकित्सालय भी लिखा है, जस्ट बगल में सोहराब बाबा जी की जहाँ मस्जिद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगी है। यहाँ पर दुकान भी है कुछ, और इसके आगे जाने पर कुछ ही दूर का गौतम बुद्ध प्रवेश द्वार धामा लिखा है इसमें, और इधर भी कुछ दुकान भी है, यादव मिष्ठान भंडार, दीपक मोबाइल सेंटर, दर्शन टेंट हाउस, लाइट हाउस, यहाँ पर कुछ लग रहा है। देखिए अमर पैलेस लिखा है, देखिए कुछ दुकान भी है, बोरी में लगा हुआ है। और देखिए अमर शेषनाथ इंडियन सर्विस लिखा है, तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए प्लेस पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं आप लोग को थोड़ा हरियाली भी दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा दोनों तरफ आम के पेड़ हैं।